आप देख रहे हैं डीजे आना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। नर्सों की लापरवाही के चलते एक नवजात की मौत। हमेशा की तरह शहर का प्रसूति वार्ड एक बार फिर चर्चाओं में। इस बार एक नवजात को पानी में गिराकर मार दिया। आपको बता दें कि प्रसूति गृह में डिलीवरी कराने के लिए आई महिला के नवजात शिशु को नर्सों के लापरवाही के चलते प्रसूति गृह में पानी से भरी बाल्टी में गिर जाने से मौत हो गई। दरअसल बरखेड़ा गिरते से शारदा शिवरे अपनी बहू सुमन की डिलीवरी कराने गुनाई थी, लेकिन प्रसूता गृह की नर्सों की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। जैसे इस बात की सूचना हमारी टीम को लगी तो वह पूरा मामला जानने प्रसूति गृह पहुंची। वहां पता चला कि शारदा शिवरे अपनी बहू की डिलीवरी के लिए आई थी। डिलीवरी के लिए उसे प्रसूति गृह में ले जाया गया और डिलीवरी करते समय ही बच्चा वहां रखी पानी की बाल्टी में गिर गया, जिस पर नर्सों ने ध्यान नहीं दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन पास में ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला ये सब देख रही थी। उसने नर्सों को बताया कि बच्चा बाल्टी में डला है। तब नर्सों ने बच्चों को उठाया और कपड़े से साफ किया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बच्चे के शव को परिजनों को सौंपने तक के पैसे नर्सों ने बच्चे के परिजनों से लिए, तब कहीं जाकर परिजनों को बच्चा दिया। इस पूरे मामले पर जब अस्पताल के अधिकारियों से बात करना चाहिए तो किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं परिजनों ने सिविल सर्जन को इस पूरे घटनाक्रम की लिखित आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। चलना चोट करे या कुछ करे तो फिर उस कंडीशन में मैं फिर ज़्यादा अस्पताल को कह दूँगा, इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? आपको चलता बस इतना पता है ना, आप कोई पता नहीं, मतलब मैं कैसे मेरे बच्चे हैं कक्ष में ही बच्चा नीचे गिरा था या बाहर गिरा था? बाल्टी में गिरा है। डिलीवरी कक्ष में फोन करवा रहे थे डिलीवरी आपकी? और क्या कहने लगे, कैसे कैसे इनका बच्चा पानी में गिर गया? आप बहन तो थी उस समय, आपने देखा था? मैंने देखा था। बच्चा का पानी में गिर गया, बाल्टी में गिर गया, बाल्टी में गिर गया था। और मैंने कहा यही निकाल लेती हूँ, ऊपर तो नहीं लगो, जब नर्स ने बच्चे उठाए। आप उस समय डिलीवरी कक्ष में मौजूद थी? एकदम बाल्टी में जान पड़ा, उसने देखा नहीं है बिन्ने, पास वाली बोली कि इसमें गिर गया कुछ, गिरो जी निकलो जी के। जब बिन्ने उठा के एकदम बेरा के पहुँच वाली देखो नहीं है, तो फिर पहुँच पाँच के हम भी डुकरिया दे दा उसके से कांच में रखे। डिलीवरी किसने करवाई थी? डिलीवरी हम जानत नहीं बिन्ने मैडम, नर्सन ने करी थी, तो फिर मैंने बच्चा आशा कार्यकर्ता थी अपनी बड़की रगे की भी ध्यान नहीं बात, बच्चा देख रही थी, बात पकड़ रही थी, बच्चा बहुत बाल्टी में गिर गए, किसी ने नहीं देखो, पास वाली देखो मैंने बताया बच्चा खत्म हो गया। बाहर
गुना की ग्राम पंचायत झागर में आज खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किया गया औचक निरीक्षण, जिसमें पाया गया कि दुकान खुलने के समय बंद मिली, वहीं दुकान को सील कर पंचनामा भी बनाया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों राशन की दुकानों के संचालक अपनी मनमानी करते हैं, जिसके चलते खामियाजा क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ता है। खाद्य विभाग के आदेशानुसार 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक राशन की दुकानों को 10 से 5 बजे तक खोलना पड़ेगा, के बावजूद भी झागर में उचित मूल्य की दुकान अक्सर बंद ही मिलती है, जिस पर आज निरीक्षण कर इसे सील किया गया। देखने लायक होगा कि केवल खानापूर्ति मात्र करके इस दुकान संचालक को छोड़ दिया जाएगा या उस पर कोई उचित कार्रवाई भी होगी। ये वाई की तो है। सर थोड़ा एक मिनट बस। सर क्या कमियां पाई गई झागर उचित मूल्य दुकान पे? अभी शासन निर्देशानुसार प्रत्येक महीने की 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक दुकानों पर राशन का वितरण किया जाना है जी। तो इस संबंध में हमने औचक निरीक्षण किया है जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में, तो देखा कि दुकान पे बंद पाई गई है, लेकिन बंद होने की कोई सूचना चस्पा नहीं है इस पे। तो सर एक ही जोर है कि यहाँ पे अक्सर अगर ये खुलती भी है, हमने पहले भी इसको दिखाया है, तो ये 1:30 बजे कभी 2 बजे 2:30 बजे खुलती है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ अभी आपको कितने लोग मौजूद मिले हैं? अभी तो जो है 3-4 लोग थे यहाँ पर जो है, पर जहाँ तक और बाकी इस तरह का अभी हम देखेंगे तो हम फिर आगे भी कार्रवाई करेंगे जैसे आज करिए। अच्छा, अगर बंद तो अभी और क्या क्या खामियां पाई गई सर? खामियां अब जैसे देखते हैं कि वो मतलब पहले तो क्यों नहीं आया है, दूसरा जो स्टॉक बोर्ड होना चाहिए वो तरीके से प्रदर्शित होना चाहिए स्टॉक और भाव सूची। और खुलने का समय सर कितने? खुलने का समय तो जनरली ग्रामीण क्षेत्र में जो है सुबह 10 बजे से वो लोग खोलते हैं और 5 बजे तक वितरण कर सकते हैं। तो ये अनिवार्य है ना नियमानुसार? हाँ नियमानुसार खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। जो संडे का दिन है बस उस दिन को छोड़ करके बाकी सभी दिनों में दुकान खुलने का प्रावधान है और 21 तारीख की वितरण किया जाना इसलिए अनिवार्य है दुकान। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। गैस पर खाना बनाते समय भड़की आग से महिला की मौत और मकान हुआ जलकर खाक। महिला मछला सहरिया पत्नी सुरेश सहरिया अपने घर पर गैस पर खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर फटने से महिला की मौत हो गई। वहीं मकान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं परिवार के लोग खेत पर काम करने के लिए गए थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सकारात्मक रूप दिखाते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। गैस से क्या कर रहे थे यहीं पर? मतलब रोटी बना रही था, कर रही है मतलब तो अच्छे नहीं है मौका। हाँ घर में आग भाग लगी है जब हम तो पता पर जब आए तो घर भी जल गया और तो जल गया मोटरसाइकिल जल गई दो रिगन भी जल गए दो बकरा जल गए बकरा की बकरा भी मौत हो गई नहीं में जल गई तो उसी में जल गए और क्या क्या नुकसान हुआ है? और रकम अच्छी रकम भी जल गई नुकसान जो घर में राशन पानी से लेके परमाट सरमाट बिस्तर से लेके सब बर्तन ठीक रहा घर में आप कितने लोग हो? हम
अब जाए करके साथ भी अच्छा है। महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष में अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। जयंती उत्सव 7 दिनों तक चलेगा जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं होगी। कितने दिन चलता है ये कार्यक्रम? ये हमारा 7 दिन का 7 डेज का ये 1 वीक का प्रोग्राम है जिसमें पूरा समाज बहुत धूमधाम से मनाता है। 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से मैराथन दौड़ रखी गई है जिसमें सभी अग्रबंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है और इसको प्रभात फेरी का रूप देकर के हमको सफल बनाना है। सभी से गर्वत निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए। 6:30 बजे आयोजन कहाँ से रखा गया? ये शास्त्री पार्क से बाजार होते हुए नगर पालिका तक रखा गया। कर बढ़ाए जाने के विरोध में आज से सिनेमा व मल्टीप्लेक्स के देशव्यापी हड़ताल। शासन द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल शुरू की मल्टीप्लेक्स सिनेमा के संचालकों ने। अभी हाल ही में सिनेमा मल्टीप्लेक्स पर और टैक्स लगा दिया गया। वहीं मल्टीप्लेक्स व टॉकीज के संचालकों का कहना है कि इससे उनके उद्योगों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही कई अधिक टैक्स लगे हुए हैं। वहीं टैक्सों की उन पर और बढ़ोतरी करना सही नहीं है। तारीख को विजयपुर थाना अंतर्गत हुए एक्सीडेंट में मारे गए लोगों को ही आरोपी बनाए जाने के विरोध में आज मृतकों के परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय। आपको बता दें कि 25 तारीख को विजयपुर थाना के अंतर्गत कोलारस में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे जिसकी FIR विजयपुर थाने में लिखाई गई थी। वह मृतकों के साथियों का कहना है कि FIR में मृतकों और घायलों को ही आरोपी बनाया गया है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसको छोड़ दिया गया और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मृतक के रिश्तेदारों की माने तो विजयपुर थाना प्रभारी द्वारा फर्जी तरीके से FIR पर घायलों के साइन करा लिए गए और उन्हें को आरोपी बना दिए गया। अतः मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर मृतकों के परिजन व सहयोगी आज SP कार्यालय पहुंचे। जो विजयपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी वो मेरे बड़े भाई हैं उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और एक मेरे राकेश गुप्ता जो हैं वो मेरे बुआ जी के लड़के हैं दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मेरे भतीजे हैं आशीष गुप्ता और एक मोहन सिंह दांगी जो थे वो दोनों घायल हो गए। घायलों को तत्काल पुलिस के द्वारा रेफर कर दिया गया था। बाद में उस समय पर पुलिस द्वारा हमको सांत्वना दी गई कि जो भी होगा आपके फेवर में होगा और आप अपना अभी काम निपटाएं। लेकिन जब बाद में आशीष को होश आया और वो थोड़ा सा रिलीफ मिला तो हम विगत 3 तारीख को अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए FIR की कॉपी लेने के लिए वहां पर पहुंचे तो दिन भर ना तो हमको कोई जानकारी दी गई और न इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई है इस बारे में बताया गया। क्या आप चाहते क्या है? इसकी निष्पक्ष जांच हो। ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। उसको बिना कोई कार्रवाई किए पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया और जो FIR उन्होंने दर्ज की है आशीष गुप्ता के नाम से तो उनके फर्जी दस्तखत करके उन्होंने FIR दर्ज की है।
पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, कोई आरोपी बनाया है। और हमको ही आरोपी बनाया, ऐसा अन्याय पहली बार देखने को मिला है। एक एक्सीडेंट हुआ था, कोलारस की गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बीजापुर थाना लगता है, तो वहाँ पर दो लोग मृत हुए थे और दो लोग उसमें घायल हुए थे, तो परिवार के लोग तो उन लोगों में लग गए थे, तो उसमें मृतकों के मोबाइल पैसा सब गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद में घायलों को गुना लाया गया, उनके नाम से फर्जी FIR काट दी मैडम ने, जो बीजापुर थाने पर मैडम है, और उन्होंने FIR जो काटी उस पर जो चिड़िया मारी है वो भी फर्जी मार दी, और फरियादियों को उसमें आरोपी बना दिया, और जो ट्रक वाला था उसको भगा दिया, ना उस पर कोई कायमी की, ना ट्रक वाले का कोई है ना, उन्होंने रिपोर्ट बुक की, तो उसको लेकर के संज्ञान में मामला था, सब कुछ बात थी, और ट्रक को छोड़ दिया, ड्राइवर को छोड़ दिया, उल्टा फरियादियों को आरोपी बना दिया। तो ये सब लोग कोलारस से चलकर आए हैं यहाँ पर, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनकी मदद करूँगी पूरी, ठीक, और मैं चाहती हूँ आप सभी के सहयोग से निष्पक्ष जाँच हो, और SP साहब को हमने अभी आवेदन दिया है, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसकी जाँच DOP साहब को देंगे। आबकारी विभाग की कार्रवाई, पकड़ी अवैध विदेशी शराब। आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शराब की धरपकड़ की मुहिम तेज कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आज आबकारी विभाग द्वारा जामनेर के पास एक बाइक सवार की तलाशी के लिए रोका गया, जिस पर उसके पास से विदेशी शराब बरामद की गई। आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री विजय दत्ता साहब के निर्देशन में हमारे आबकारी विभाग के दल द्वारा आज दिनांक को सवेरे ग्राम जामनेर के पास परेवा से कमलेश पिता फूल सिंह धाकड़ को मोटरसाइकिल के साथ शराब को परिवहन करते हुए अरेस्ट किया गया, जिसमें 312 विदेशी मदिरा बॉम्बे विस्की जब्त की गई, जो 54 लीटर होती है, इसकी कीमत करीब 24,000 रुपये है, और बाइक की कीमत 55,000 रुपये है। इसको अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा, 34-2 में प्रकरण कायम किया गया है। सर क्या, क्या 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 नाम? मुलजिम का नाम कमलेश पिता फूल सिंह धाकड़, निवासी परेवा। बूढ़े बालाजी मंदिर के सामने बह रही ज्ञान की गंगा, 3 दिनों से चली आ रही श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, वहीं कथावाचक बाल विदुषी श्री रत्मणि जी बड़े ही निराले अंदाज में भागवत कथा का वाचन करती हैं। जोर से जयकार लगाएंगे। बोले श्री रोज सुनते हैं और रोज वही बात जन जन हरि जय श्री वृंदावन को नवरात्रि में लगने वाली झांकियों की तैयारी अंतिम चरण में है। बूढ़े बालाजी रोड पर मां वैष्णो देवी की भव्य झांकी लगाई जा रही है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसमें गुफा की लंबाई लगभग 600 फीट रखी गई है, जिससे भक्तों को आसानी से माता के दर्शन करने के लिए गुफा में से होकर जा सके।
सभी भक्तों को जय माता दी। बूढ़े बालाजी रोड पर और टेकरी रोड पर लगने वाली है द्वितीय वर्ष में यह झांकी सभी कार्यकर्ताओं के, सभी भक्तजनों के और सभी दानदाताओं के सहयोग से द्वितीय वर्ष लगाई जा रही है और इसकी तैयारियां पिछले 15 दिन से चल रही हैं और लगभग 75% तैयारी माँ वैष्णो देवी की गुफा, जिसमें 600 फीट लंबी ये गुफा बनाई जा रही है, जिसमें माँ वैष्णो देवी के साथ नौ देवियों के दर्शन होंगे, साथ में बालाजी सरकार के भी दर्शन भक्तों को मिलेंगे और इसके साथ में ही बाण गंगा और गंगा कुंड का लुप्त उठाने को भी सभी भक्तगणों को मिलेगा। इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? इसमें हमारे साथी हैं, लगभग 100 जो साथी हैं हमारे, युवा हैं, बच्चे हैं, सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं। देसी आना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।